तो दोस्तों, हमारी धरती पर कई बड़े बड़े और लग्जरी सुविधाओं से लैस कई फाइव स्टार होटल्स मौजूद हैं, जहां पर हमें कई सारी सुविधाएं देखने को मिल जाती हैं। और साथ ही यदि हम किसी क्रूज शिप के जरिए भी किसी सफर पर निकलते हैं तो वहां पर भी हमें सुविधाएं किसी फाइव स्टार होटल से कम देखने को नहीं मिलती। लेकिन क्या होगा कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यही सुविधाएं हमें अंतरिक्ष में देखने को मिले और आप अंतरिक्ष की सैर पर निकल जाएं। तो दोस्तों, जिस तरह से हम अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईसा व अन्य बड़ी स्पेस एजेंसियों द्वारा अंतरिक्ष में किए जाने वाले मिशनों को देखते हैं, जिनके जरिए कई एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजा जाता है, जो ना ही सिर्फ अंतरिक्ष में रुकते हैं बल्कि अंतरिक्ष में जाकर कई साइंटिफिक रिसर्च और स्पेस रिसर्च को अंजाम देते हैं। वो अलग बात है कि उन्हें अंतरिक्ष में ट्रैवल करने से पहले कई फिजिकल ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, और उन्हें देखकर हमारे मन में भी ये ख्याल आता है कि लाइफ में एक बार काश हम भी स्पेस में जा पाते और वहाँ रुकने का हम भी एक बार एक्सपीरियंस कर पाते। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपका ये सपना बहुत ही जल्दी सच होने वाला है। आप ना ही सिर्फ अंतरिक्ष में ट्रैवल कर पाएंगे बल्कि वहाँ रुकने के लिए आपको एक होटल में रूम भी मिलेगा, और इसी के साथ ही वहाँ पर आपको फाइव स्टार होटल जितनी कई सारी लग्जरी सुविधाएं भी देखने को मिलेंगी, और साथ ही आप अपने पार्टनर को भी इस स्पेस होटल में ले जा पाएंगे और साथ ही इस होटल में स्पेस के अंदर एक अलग ही एक्सपीरियंस का एहसास कर पाएंगे। लेकिन अभी आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ऑर्बिटल असेंबली कॉर्पोरेशन कंपनी अपना दुनिया का पहला ऐसा होटल बनाने जा रही है, जो कि धरती से कई किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में यह होटल मौजूद होगा, और कंपनी ने इसका नाम वॉयजर स्पेस स्टेशन रखा है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी वॉयजर स्पेस होटल के बारे में जानने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, ऑर्बिटल असेंबली कॉर्पोरेशन कंपनी ने फाइनली ये ऐलान कर दिया है कि वे दुनिया का पहला स्पेस होटल बनाने जा रही है। हालांकि हम किसी समय अंतरिक्ष में जाने और वहां रुकने के सपने देखा करते थे, लेकिन अब वो हकीकत में बदलने जा रहा है। दरअसल ऑर्बिटल असेंबली कॉर्पोरेशन कंपनी का कहना है कि वॉयजर स्टेशन होटल को बनाने का काम तकरीबन 2025 से शुरू हो जाएगा, और साथ ही इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को धरती पर ही तैयार किया जाएगा, और इसे तैयार करने में तकरीबन 2 सालों का समय लगेगा, जिसके बाद 2027 में इसे अंतरिक्ष में लॉन्च कर दिया जाएगा। अंतरिक्ष में तैरने वाला ये वॉयजर स्टेशन होटल गोल आकार का होने वाला है, जिसमें कुल 24 हैबिटेशन मॉड्यूल लगे होंगे। इस स्पेस होटल में लगे मॉड्यूल तकरीबन 20 मीटर लंबे और 12 मीटर चौड़े होने वाले हैं, और हर एक मॉड्यूल में कई कमरे भी मौजूद होंगे। इस स्पेस होटल में लगे 24 मॉड्यूल में इतने ज्यादा कमरे होंगे जिससे कि इनमें 400 टूरिस्ट आसानी से रह पाएंगे, और इनमें से कुछ मॉड्यूल अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा व दूसरी स्पेस एजेंसियों को भी बेचे जा सकते हैं, जिससे कि वे यहां पर अपने स्पेस रिसर्च को अंजाम दे पाएंगे। और साथ ही कोई भी टूरिस्ट वॉयजर स्पेस स्टेशन में स्पेस टूरिज्म पर जाएगा, उसे जाने से पहले धरती पर कई फिजिकल टेस्ट से गुजरना होगा, जिसके बाद ये तय किया जाएगा कि उसे स्पेस टूरिज्म में वॉयजर स्पेस स्टेशन में भेजना है या फिर नहीं भेजना। ऑर्बिटर असेंबली कॉर्पोरेशन का ये वॉयजर स्टेशन होटल स्पेस में रोटेट भी करेगा। यदि कोई भी टूरिस्ट इस स्पेस होटल में लंबे टाइम तक रुकने के लिए आते हैं तो उन्हें ग्रेविटी की भी काफी ज्यादा जरूरत पड़ेगी, इसलिए ये स्पेस होटल अंतरिक्ष में रोटेट करके मून जितनी ग्रेविटी को उत्पन्न करेगा, जिससे कि स्पेस होटल में रहने वाले सभी टूरिस्ट को किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और इसके अलावा इस होटल में आपको फाइव स्टार होटल जैसी सभी सुविधाएं देखने को मिलेंगी, जैसे कि स्पा, सिनेमा हाउस, कॉन्सर्ट व्यू, लाइब्रेरी, जिम और रेस्टोरेंट्स मौजूद होंगे, और साथ ही वॉयजर स्पेस स्टेशन में एक लिफ्ट भी लगी होगी। यदि कोई कस्टमर इस होटल से बाहर निकलकर स्पेस को एक्सपीरियंस करना चाहता है तो वह स्पेस सूट को पहनकर इस लिफ्ट की मदद से ऐसा कर सकता है। वैसे तो ऐसा करना काफी ज्यादा खतरनाक होगा, लेकिन इस स्पेस होटल में हर एक टूरिस्ट की सिक्योरिटी का पूरे तरीके से ध्यान रखा जाएगा, और साथ ही इसमें मौजूद कमरों में कांच की खिड़कियां भी लगी होंगी, ताकि टूरिस्ट इस खिड़की की मदद से अंतरिक्ष से धरती का नजारा और स्पेस का नजारा भी देख पाएंगे। और जो क्रू मेंबर्स इस स्पेस होटल में काम करेंगे उन्हें धरती पर खास तौर की ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि वे स्पेस होटल में कस्टमर्स का अच्छे तरीके से ध्यान रख सके और उन्हें पूरी सर्विस प्रोवाइड अच्छे तरीके से कर सके। दोस्तों, वॉयजर स्पेस स्टेशन होटल तकरीबन स्पेस में 200 मीटर चौड़ा होगा। यदि हम इसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से कंपेयर करें तो वो उससे भी ज्यादा बड़ा होने वाला है, लेकिन ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से काफी ज्यादा
ज्यादा सिंपल होगा, क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कई सारे साइंटिफिक इक्विपमेंट्स और साथ ही कई लैबोरेटरीज भी मौजूद होंगी, जिसे खास तौर पर स्पेस रिसर्च के लिए तैयार किया गया था। और यदि हम वॉयजर स्पेस स्टेशन की बात करें तो ये अंतरिक्ष में तैरता हुआ एक सिंपल सा ढांचा होगा जो कि एक स्पेस होटल का काम करेगा। तो दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि यदि ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से भी काफी ज्यादा बड़ा है तो इसे अंतरिक्ष में लॉन्च करने की कॉस्ट भी काफी ज्यादा अधिक होने वाली है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि पहले के मुकाबले में आज के समय में स्पेस लॉन्च काफी ज्यादा सस्ता हो चुका है। और साथ ही वॉयजर स्पेस होटल के स्ट्रक्चर को धरती पर पूरे तरीके से तैयार करने के बाद इसे स्पेस एक्स के फैल्कन 9 रॉकेट, जो कि एक रीयूजेबल रॉकेट है, और साथ ही स्टारलिंक स्पेसक्राफ्ट की मदद से लॉन्च किया जाएगा, जिससे कि इसे लॉन्च करने की कॉस्ट और भी ज्यादा सस्ती होने वाली है। इसकी मदद से धरती और वॉयजर स्टेशन के बीच का कम्युनिकेशन काफी ज्यादा मजबूत होगा। और जब अंतरिक्ष में इस होटल के सभी इक्विपमेंट्स को लॉन्च कर दिया जाएगा तो उसके बाद इसे अंतरिक्ष में 3 दिनों के अंदर अंदर तैयार कर लिया जाएगा, और जिसके बाद वॉयजर स्टेशन होटल अपने वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा। इसे बनाने वाली टीम में नासा के कई पुराने एक्सपीरियंस वाले सदस्य, पायलट, इंजीनियर और आर्किटेक्चर शामिल होंगे। वॉयजर स्पेस स्टेशन को धरती की लो अर्थ ऑर्बिट यानी कि धरती से तकरीबन 400 से 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाएगा, और यह हर एक 90 मिनट में धरती का चक्कर पूरा करेगा। ऑर्बिटल असेंबली कॉर्पोरेशन कंपनी का यह भी कहना है कि वॉयजर स्पेस स्टेशन होटल को सक्सेसफुली तैयार करने के बाद वे 2040 के आसपास गेटवे स्पेस पोर्ट को तैयार करेंगे। ऑर्बिटल असेंबली कॉर्पोरेशन का गेटवे स्पेस पोर्ट वॉयजर स्पेस स्टेशन से भी 3 गुना ज्यादा बड़ा होने वाला है, और साथ ही ये वॉयजर स्पेस स्टेशन से भी काफी ज्यादा एडवांस स्पेस होटल होगा, जिसकी मदद से हमारी धरती से 38,04,400 किलोमीटर दूर मौजूद मून तक का टूरिज्म भी किया जा सकेगा। यानी कि टूरिस्ट इस स्पेस होटल की मदद से काफी लग्जरी सुविधाओं के साथ साथ अंतरिक्ष में मून तक का सफर भी कर पाएंगे, जो कि सोचने में ही काफी ज्यादा अमेजिंग लगता है, और इससे हमारे स्पेस टूरिज्म की सोच और भी ज्यादा एक्सपेंड हो जाती है। वैसे तो यह प्रोजेक्ट फ्यूचर का है और फिलहाल कंपनी अपने वॉयजर स्पेस स्टेशन पर फोकस कर रही है। यदि हम वॉयजर स्पेस स्टेशन को तैयार करने की कॉस्ट की बात करें या फिर हम टूरिस्ट के इस स्पेस होटल में रुकने की कॉस्ट की बात करें तो इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। लेकिन रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि वॉयजर स्पेस स्टेशन में टूरिस्ट के 3 दिनों तक रुकने की कॉस्ट तकरीबन $5 मिलियन यानी कि 37 करोड़ रुपए के आसपास आने वाली है, और इसके अलावा धरती से वॉयजर स्पेस स्टेशन तक लॉन्च की कॉस्ट अलग से होगी। यानी कि एक टूरिस्ट को वॉयजर स्पेस स्टेशन में 3 दिनों तक रुकने के लिए 37 करोड़ से भी ज्यादा पैसे चुकाने पड़ सकते हैं। और इससे ये पता चलता है कि आम इंसान का इस स्पेस होटल में जाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होने वाला। हालांकि इस स्पेस होटल में सिर्फ अरबपति व्यक्ति ही जा सकेंगे, लेकिन ऑर्बिटल असेंबली कॉर्पोरेशन कंपनी 2027-28 तक अपना दुनिया का सबसे पहला वॉयजर स्पेस स्टेशन होटल को सक्सेसफुली लॉन्च करके पूरी दुनिया में स्पेस टूरिज्म को काफी ज्यादा बढ़ावा देने वाली है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारा आने वाला समय स्पेस टूरिज्म का ही होगा। ऐसे में फ्यूचर को देखते हुए कई प्राइवेट कंपनियां इस फील्ड में कूदने वाली हैं और अंतरिक्ष में अपने कई स्पेस स्टेशन होटल को लॉन्च करेंगी। ऐसे में फ्यूचर में स्पेस टूरिज्म को लेकर काफी ज्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ने वाला है, जिससे कि कई प्राइवेट कंपनियां हमें फ्यूचर में अपने स्पेस होटल के टूरिज्म के लिए काफी ज्यादा सस्ते ऑफर्स प्रोवाइड करेंगी, जिससे कि आने वाले फ्यूचर में आम इंसान भी अपनी लाइफ में एक बार स्पेस टूरिज्म को एक्सपीरियंस कर पाएगा और वहां की कई फैसिलिटीज को ले पाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए आप हमारे नए चैनल साइंस टीवी इंडिया को। तो फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों।